एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया एपीआई का 77वां सम्मेलन एपिकोन 2022 जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। 14 से 17 अप्रैल तक आयोजित सम्मेलन को लेकर पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए आरयूएचएस के वाइस चांसलर डॉक्टर सुधीर भंडारी ने कहा कि 4 दिवसीय सम्मेलन में विश्व भर से चिकित्सक भाग लेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य चिकित्सा के क्षेत्र में नई तकनीक के बारे में चर्चा करना है। इस मौके पर ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन डॉक्टर के पारिक, सेक्रेटरी डॉक्टर पुनीत सक्सेना भी मौजूद रहे। मेडिकल महाकुंभ है, इसके अंदर पूरे कंट्री के फिजिशियंस जो कि पूरे हेल्थ सिस्टम, पूरे मेडिकल सिस्टम में फिजिशियंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। करीब 8,000 से ज़्यादा फिजिशियंस इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले हैं। ये नंबर बहुत भी ज़्यादा हो सकता था, पर चूंकि कोविड के बाद ये पहली फिजिकल कॉन्फ्रेंस है तो काफ़ी डॉक्टर्स लोग वर्चुअल उससे जुड़ेंगे। इस कॉन्फ्रेंस की हाईलाइट ये है कि लेटेस्ट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, लेटेस्ट इन द फील्ड ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट इन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट, उसके ऊपर व्याख्यान, उसके ऊपर मंथन और उसके ऊपर पैनल डिस्कशंस होंगे। बेसिकली कंप्लीट मेडिकल नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए और टोटल मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल सिस्टम को जानने के लिए ये एक बहुत ही एजुकेटिंग कॉन्फ्रेंस है। सो बेसिकली ये एक तरह का मेडिकल एक्स्ट्रावेगेंजा है, हाईएस्ट लेवल ऑफ मेडिकल एजुकेशन का एक्टिविटी है, हाईएस्ट लेवल ऑफ मेडिकल अपग्रेडेशन का एक्टिविटी है और ट्रिमेंडस फेलोशिप की अपॉर्चुनिटी है।